पायरोक्लास्टिक दुनिया की सभी बड़ी आपदाओं में से एक ऐसी बड़ी आपदा जिसकी चपेट में जो भी आया वे इतिहास में ज्यों का त्यों दर्ज हो गया। आखिर क्यों ज्वालामुखी से निकलने वाला यह विनाश खुद ज्वालामुखी से बेहद ज्यादा विनाशकारी होता है? आखिर ये क्या होता है और ये कैसे बनता है? चलिए समझते हैं इसको डिस्कवर फैक्ट के इस नए एपिसोड में। आग उगलता, विध्वंसक, धरती का रचयिता और पूरी पृथ्वी के भूगोल को बदल के रख देने वाली प्राकृतिक की सबसे बड़ी संरचना ज्वालामुखी रोमन आग के देवता के नाम वेल्कन से लिया गया है। भूमध्य सागर में एक वेल्कनो नामक द्वीप है जिसमें एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहते हैं कि वेल्कन वहाँ पर देवताओं के लिए हथियार बनाते हैं, इसलिए वेल्कानो का अर्थ है वेल्कन की भट्टी और जिसे हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। जितने ये ज्वालामुखी खतरनाक दिखते हैं उतने ही ये उदारवादी भी होते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा ही पृथ्वी पर भूमि का निर्माण कर नए बड़े महाद्वीप बनाता है। ऐसा ही ओशियानिया में स्थित एक टोंगा द्वीप का निर्माण टोंगा ज्वालामुखी के द्वारा किया जा रहा है। अभी तो इसका क्षेत्रफल करीब 3 से 4 किलोमीटर का है, परंतु आने वाले कुछ सौ सालों में ये कई किलोमीटर में फैल जाएगा। ये भले ही कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, पर ये ज्वालामुखी ही असल मायने में धरती के सृजनहार है, जो हम इंसानों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को रहने और पनपने के लिए जमीन प्रदान करते हैं। परंतु लावा के अलावा ज्वालामुखी का एक और खतरनाक चेहरा होता है जिसको हम पायरोक्लास्टिक के नाम से जानते हैं। पायरोक्लास्टिक जो कि लावा के टुकड़े और गर्म गैसों का एक विनाशकारी मिश्रण से बना बेहद गर्म राख का गुब्बार होता है, जिसकी रफ्तार 700 किलोमीटर प्रति घंटा और तापमान 1000 डिग्री तक हो सकता है। इसकी रफ्तार ज्वालामुखी के ढलाव पर निर्भर करती है, यानी जितनी ज्यादा ढलाव होगी उतना ही ज्यादा इसकी रफ्तार होगी। ये गर्म राख का गुब्बार इतना खतरनाक होता है कि यदि इसके मार्ग में कोई व्यक्ति या जानवर आ जाता है तो वह कुछ ही पलों में पत्थर का पुतला बनकर रह जाता है। माउंट अंजेन जो कि जापान में स्थित है, इसमें अचानक पायरोक्लास्टिक का विस्फोट हो गया, जहां इसमें ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये इनकी किस्मत थी कि ये सब बच गए, क्योंकि इस पायरोक्लास्टिक का बहाव बीच में ही रुक गया। यदि वहां थोड़ी और ढलान होती तो इनका भागना किसी काम ना आता और ये सब पायरोक्लास्टिक के बहाव में मारे जाते। फिर भी जंगल में फंसे 44 लोग जो उसकी जद में आ गए वह सब मारे गए। ठीक ऐसी ही घटना माउंट ऑनटेक ज्वालामुखी की है, जो जापान के होंशू आइलैंड से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें कुछ हाइकर्स तब अचानक से मौत के मुंह में पहुंच गए जब माउंट ऑनटेक में एक विस्फोट से पायरोक्लास्टिक का बहाव शुरू हो गया। जबकि ये बहाव रुक कर ठंडा हो चुका था, फिर भी बहुत से हाइकर्स इसकी जद में आ ही गए। सौभाग्य से बहुत से हाइकर इसमें बच गए, फिर भी 40 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। जबकि ठंडा होने के बावजूद ये पायरोक्लास्टिक उतना ही खतरनाक था जितना कि गर्म होने पर, क्योंकि इसकी राख लगभग सीमेंट जैसी होती है, तो इसमें सांस लेने वाले व्यक्ति के फेफड़ों और श्वास नली में ये सीमेंट जम जाता है और व्यक्ति की मौत दम घुटने से हो जाती है। अब बात करते हैं माउंट विसुवियस की, जो इटली का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हजारों सालों से आग उगलता हुआ अपने अस्तित्व को इतिहास और वर्तमान में अंकित करता जा रहा है। अपनी छत के नीचे इसने कई शहरों को बसाया और बर्बाद कर दिया। 1944 में इसमें आखिरी विस्फोट हुआ था और तब भी ये 26 लोगों की जान ले गया था। इससे पहले 1906 में इसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। परंतु ये सब माउंट विसुवियस के लिए कोई नई बात नहीं है, इन सबसे पहले भी ये हजारों लोगों की जान ले चुका है। पोम्पाई इटली का एक प्राचीन शहर जिसकी जनसंख्या 11,000 से 18,000 के करीब थी, इसका माउंट विसुवियस ने रातों रात सफाया कर दिया। ये प्राचीन शहर 16 से 17 फीट मोटी राख के नीचे दफन हो गया। माउंट विसुवियस से निकली इस गर्म राख का तापमान और रफ्तार इतनी तेज थी कि जो व्यक्ति जिस अवस्था में था वे उसी अवस्था में इतिहास का हिस्सा बनकर रह गए। ऐसा नहीं है कि पोम्पे के सभी लोग मारे गए थे, लेकिन कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग भी थे जिन्होंने पोम्पे में रहने का फैसला किया था, फिर चाहे वह उनकी मजबूरी रही हो या अपनी जगह से उनका लगाव। ऐसे ही एक मार्मिक दृश्य को देख के आर्कियोलॉजिस्ट भी भावुक हो उठे थे जब उन्हें एक माँ और बच्चे का राख में जमा शरीर मिला
आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये बच्चा 3 से 4 साल का रहा होगा। जहां पायरोप्लास्टिक के आने से पहले ये माँ अपने बच्चे को डर से बचाने के लिए उसके साथ खेल रही होगी। इस मार्मिक दृश्य को देख के पूरी दुनिया की आंखें नम हो गई थी। परंतु आखिर क्यों पायरोप्लास्टिक की चपेट में आए व्यक्ति अपने मृत्यु के आखिरी क्षणों में जमकर पत्थर बन जाते हैं, चलिए समझते हैं इसको। दरअसल ज्वालामुखी से बना पायरोप्लास्टिक का तापमान 450 से 1000 डिग्री और रफ्तार 700 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यदि ऐसे में कोई व्यक्ति इसके रास्ते में आ जाता है तो उसके शरीर में उपलब्ध सारा तरल एक उबलकर सूख जाता है और इसकी जगह ज्वालामुखी की राख आ जाती है और व्यक्ति कुछ ही पलों के अंदर उसी अवस्था में अकड़कर जम जाता है। इसका हमला इतनी तेजी से होता है कि व्यक्ति के कुछ सोचने से पहले ही वह मिट्टी का पुतला बनकर रह जाता है। कुल मिलाकर ज्वालामुखी के लावा से बचना आसान है, परंतु अगर कहीं इसमें पायरोप्लास्टिक भाप निकलता है तो यह कुछ ही मिनटों में कई किलोमीटर का सफर कर सकता है और यदि इसके रास्ते में कोई जीव जंतु आ जाता है तो जानो माल की हानि होना निश्चित है। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इसको कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।